तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस हफ्ते के आखिरी टेक न्यूज एपिसोड को भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहली न्यूज वन प्लस के बारे में है। तो वन प्लस 9 स्मार्टफोन अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना में लॉन्च हुआ है और अब ऐसी जानकारी मिली है कि वन प्लस 9 स्मार्टफोन इंडिया में 2 हफ्ते के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा, यानी कि अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में वन प्लस 9 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन दिवाली के आसपास इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो क्या आप लोग वन प्लस 9 स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस रेडमी के 40 सीरीज के अंदर ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन्स रेडमी ने लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसी जानकारी मिली है कि रेडमी के 40 सीरीज का एक और स्मार्टफोन जिसका नाम रेडमी के 40S होने वाला है, वो स्मार्टफोन चाइना के अंदर जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि यहां पर हमें 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाएगा और ऐसी जानकारी मिली है कि यहां पर ज्यादातर फीचर्स Mi 11T जैसे ही होने वाले हैं, Xiaomi 11T जैसे फीचर्स यहां पर हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन चीप होने वाला है, यानी कि इसकी प्राइस थोड़ी कम होने वाली है Xiaomi 11T स्मार्टफोन के कंपेयर में। 19 अक्टूबर को Realme का काफी बड़ा इवेंट है चाइना के अंदर, जहां पर Realme के दो नए स्मार्टफोन्स Realme GT Neo 2T एंड Realme Q3S ये दोनों स्मार्टफोन्स चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस आज Realme ने ये टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ Realme अपनी एक नई स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करने वाला है और ऐसी जानकारी मिली है कि इस स्मार्ट वॉच का नाम Realme Watch T1 होने वाला है, जहां पर हमें राउंड शेप का डायल मिल जाएगा और यहां पर हमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे। यहां पर एग्जैक्टली क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मुझे जैसे ही कोई डिटेल्स मिलेगी तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा। Vivo की काफी सारी स्मार्टफोन सीरीज अवेलेबल है, Vivo X सीरीज, Vivo S सीरीज, Vivo V सीरीज, ये सभी सीरीज अवेलेबल है, लेकिन ऐसी जानकारी आज मिली है कि Vivo अपने दो और नए स्मार्टफोन एक नई स्मार्टफोन सीरीज के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिनका नाम T सीरीज होगा। Vivo T सीरीज के स्मार्टफोन्स Vivo काफी जल्द लॉन्च करने वाला है। ऐसी जानकारी मिली है कि पहले स्मार्टफोन का नाम Vivo T1 स्मार्टफोन होने वाला है और ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर Vivo काफी जल्द लॉन्च कर सकता है। तो गाइस नॉर्मल स्मार्टफोन्स की तो बात हो गई, चलिए बात करते हैं अब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के बारे में। मार्केट में अभी काफी सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, Samsung के भी अवेलेबल है, Huawei के भी और Xiaomi का भी फोल्डेबल स्मार्टफोन अवेलेबल है। और गाइस अब ऐसी जानकारी मिली है कि Vivo एंड Oppo ये दोनों कंपनीज भी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स काफी जल्द लॉन्च करने वाली है। ऐसी जानकारी मिली है कि Oppo के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर हमें Snapdragon 888 का प्रोसेसर मिलेगा एंड Vivo के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर हमें Snapdragon 898 का प्रोसेसर मिलने वाला है। ये दोनों स्मार्टफोन्स कब लॉन्च होंगे उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल के मिड तक ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकते हैं। तो क्या आप लोग Vivo एंड Oppo के नए स्मार्टफोन्स के लिए, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस आज सैटरडे था इसीलिए टेक न्यूज थोड़ी कम थी, लेकिन जितनी भी टेक न्यूज थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते और भी काफी सारी टेक न्यूज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।